नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सनसेट टीवी में। आप देख रहे हैं आज की खबर, मैं हूँ प्रीति सिंह। अगले आधे घंटे में होंगी देश और दुनिया की हर जरूरी खबर, राज्यों की सुर्खियों और मौसम के हाल पर भी डालेंगे नजर। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। गुजरात को विकास परियोजनाओं की सौगात, प्रधानमंत्री ने सूरत में 3400 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का किया शुभारंभ, भावनगर में भी कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन। कांग्रेस में राजस्थान संकट के समाधान की कोशिशें जारी, सोनिया गांधी से मिलकर अशोक गहलोत ने मांगी माफी, अध्यक्ष पद के लिए दिग्विजय सिंह और शशि थरूर के बीच मुकाबला। सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, एमटीपी एक्ट के तहत सभी महिलाओं को सुरक्षित और वैध रूप से गर्भपात का अधिकार, विवाहित और अविवाहित महिलाओं के बीच भेद असंवैधानिक। ड्रग्स तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, ऑपरेशन गरुड़ के तहत छापेमारी, सीबीआई और एनसीबी की कार्रवाई में 175 आरोपी गिरफ्तार, 8 राज्यों में 127 मामले दर्ज। यूक्रेन के 4 क्षेत्र शुक्रवार को होंगे रूस में शामिल, क्रेमलिन में होने वाले समारोह में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन रहेंगे मौजूद, यूक्रेन और पश्चिमी देशों ने की जनमत संग्रह की निंदा। अब एक नजर कुछ अन्य मुख्य समाचारों पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि कई क्षेत्रों में भारत के नेतृत्व को अब चुनौती नहीं दी जा सकती। आईएफएस के प्रशिक्षु अधिकारियों के समूह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अग्रणी देश के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। रक्षा मंत्री ने अरुणाचल प्रदेश में तीसरी कॉप के अग्रिम इलाकों का दौरा किया, साथ ही वास्तविक नियंत्रण रेखा से लगे इलाकों में रक्षा तैयारियों का जायजा लिया। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ यूजर का डेटा फेसबुक और अन्य को साझा करने की व्हाट्सएप की नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर 17 जनवरी 2023 को सुनवाई करेगी। सरकार ने कारों में 6 एयरबैग को अनिवार्य करने के प्रस्ताव को 1 साल टालकर 1 अक्टूबर 2023 कर दिया है, यह आदेश 1 अक्टूबर 2022 से प्रभावी होना था। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में भारत 40वें स्थान पर पहुंच गया है, यह 2015 में 81वें स्थान पर भारत था। सेबी ने एपिक्स ग्लोबल और उसके मालिक के प्रतिभूति बाजार में लेन देन पर 4 साल के लिए रोक लगा दी है, साथ ही अनाधिकृत निवेश परामर्श सेवाओं के जरिए निवेशकों से जुटाया धन लौटाने का भी निर्देश दिया। सरकार ने कुछ लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दरों में 0.3% तक की वृद्धि की है, अर्थव्यवस्था में इस समय ब्याज दरें मजबूत हो रही है जिसके मद्देनजर सरकार ने कदम उठाया। घरेलू शेयर बाजारों में लगातार 7वें कारोबारी सत्र में गिरावट जारी रही, बीएसई सेंसेक्स 188 अंक टूटकर 56,409 अंक पर बंद हुआ, वहीं निफ्टी 40.5 अंक की गिरावट के साथ 16,818 अंक पर बंद हुआ। म्यांमार की अदालत ने आंग सांग सूची को फिर दोषी ठहराया है, इसी मामले में ऑस्ट्रेलियाई अर्थशास्त्री शॉन टर्नल को गोपनीयता कानून के तहत 3 साल जेल की सजा सुनाई गई। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन अभियान पर गए 3 रूसी अंतरिक्ष यात्री सकुशल वापस लौट आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डायमंड रिसर्च एंड मर्केंटाइल सिटी परियोजना पूरी होने के बाद सूरत विश्व के सबसे सुरक्षित और सुविधाजनक हीरा व्यापार के केंद्र के रूप में विकसित होगा। 3400 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि सूरत के कपड़ा और हीरा कारोबार से देश भर के कई परिवारों का जीवन चलता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सूरत शहर लोगों की एकजुटता और जनभागीदारी का बहुत शानदार उदाहरण है और हिंदुस्तान का कोई प्रदेश ऐसा नहीं होगा जहां के लोग सूरत में ना रहते हों। उन्होंने कहा कि बीते 2 दशकों से विकास के जिस पथ पर सूरत चल पड़ा है वो आने वाले सालों में और तेज होने वाला है। सूरत 4P का उदाहरण है, 4P यानी पीपल्स पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यही मॉडल सूरत को विशेष बनाता है। प्रधानमंत्री ने इससे पहले ड्रीम सिटी के मुख्य प्रवेश द्वार का उद्घाटन किया। ड्रीम सिटी परियोजना को सूरत में हीरा कारोबार के तेजी से विकास को बढ़ावा देने के लिए वाणिज्यिक और आवासीय स्थान की बढ़ती मांग को पूरा करने के दृष्टिकोण के साथ शुरू किया गया है।
प्रधानमंत्री ने परियोजना के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इससे पहले खजोद गांव के निकट 700 हेक्टेयर में फैले महत्वाकांक्षी ड्रीम सिटी के मुख्य प्रवेश द्वार का उद्घाटन किया। गुजरात की दो दिवसीय यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भावनगर में जनसभा को संबोधित करने से पहले रोड शो किया। इस दौरान महिलाओं ने प्रधानमंत्री पर फूल बरसाए और कलाकारों ने जगह जगह लोक नृत्य भी किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भावनगर में भी कई विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। करोड़ों रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये प्रोजेक्ट भावनगर की पहचान को सशक्त करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि गुजरात के पास देश की सबसे लंबी कोस्ट लाइन है, लेकिन आजादी के बाद के दशकों में तटीय विकास पर उतना ध्यान ना दिए जाने की वजह से ये विशाल कोस्ट लाइन एक तरह से लोगों के लिए बड़ी चुनौती बन गई थी। समंदर के किनारे बसे गांव खाली हो गए, लोग पलायन करने लगे थे। उन्होंने कहा कि बीते दो दशकों में गुजरात की कोस्ट लाइन को भारत की समृद्धि का द्वार बनाने के लिए प्रयास किया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज गुजरात की कोस्ट लाइन नवीकरणीय ऊर्जा और हाइड्रोजन इकोसिस्टम का पर्याय बनकर उभर रही है। वेलावदर नेशनल पार्क में इको टूरिज्म से जुड़े सर्किट का लाभ भी भावनगर को होने वाला है। विशेष रूप से छोटे छोटे जो बिजनेसमैन है, छोटे छोटे कारोबारी है, व्यापारी है, उनको विशेष लाभ होने वाला है। भाई और बहनों, सौराष्ट्र में किसानों और मछुआरों दोनों के जीवन में पिछले दो दशकों में बहुत बड़ा बदलाव आया है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 36वें राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम, विश्व का इतना युवा देश और देश का सबसे बड़ा खेल उत्सव, जब आयोजन इतना अद्भुत और अद्वितीय हो तो उसकी ऊर्जा ऐसी ही असाधारण होगी। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में फुटबॉल, हॉकी, बास्केटबॉल, कबड्डी, बॉक्सिंग और लॉन टेनिस जैसे अनेक खेलों की सुविधा एक साथ उपलब्ध है। एक तरह से पूरे देश के लिए एक मॉडल है। गुजरात पहली बार नेशनल गेम्स की मेजबानी कर रहा है। 12 अक्टूबर तक चलने वाला है नेशनल गेम्स गुजरात के 6 शहरों अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, वडोदरा, राजकोट और भावनगर में आयोजित होगा। इस नेशनल गेम्स में 7,000 से ज्यादा एथलीट लगभग 36 अलग अलग स्पोर्टिंग इवेंट में भाग लेंगे। फैंस और खिलाड़ियों के लिए मौका इसलिए भी अहम है क्योंकि 7 साल के लंबे अंतराल के बाद नेशनल गेम्स की वापसी हुई है। वैश्विक परिदृश्य में तेजी से उभरते भारत के सामर्थ्य का भी प्रतीक है। साथियों, आज आप यहां जिस स्टेडियम में, जिस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मौजूद है, इसकी विशालता और आधुनिकता भी एक अलग प्रेरणा का कारण है। ये स्टेडियम तो दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है ही, साथ ही ये सरदार पटेल स्पोर्ट्स एन्क्लेव और कॉम्प्लेक्स भी कई मायनों में सबसे अनूठा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर में कांग्रेस विधायक दल की बैठक नहीं हो पाने और संबंधित घटनाक्रम के लिए पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी से माफी मांगी है। साथ ही उन्होंने साफ किया कि वो अब अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ेंगे। सोनिया गांधी के आवास 10 जनपद पर उनसे मुलाकात के बाद अशोक गहलोत ने यह भी कहा कि उनके मुख्यमंत्री पद पर बने रहने के बारे में फैसला सोनिया गांधी करेंगी। पार्टी की राजस्थान इकाई में संकट पैदा होने के बाद गहलोत पहली बार दिल्ली पहुंचे हैं। उनके मुख्यमंत्री पद पर बने रहने से जुड़े सवाल पर अशोक गहलोत ने कहा कि इस बारे में फैसला सोनिया गांधी करेंगी। कल परसों की घटना हुई है और मेरी मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो प्रचार पार्क होता, तो मैंने तय किया है अब मैं इस माहौल के अंदर चुनाव नहीं लड़ूंगा। ये मेरा फैसला, ये फैसला मैं नहीं करूंगा, ये फैसला सोनिया गांधी जी करेगी, कांग्रेस अध्यक्ष करेगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह पार्टी अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए शुक्रवार को नामांकन दाखिल करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए घोषित कार्यक्रम के अनुसार अधिसूचना 22 सितंबर को जारी की गई और नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया
24 सितंबर से शुरू हो गई जो 30 सितंबर तक चलनी है। नामांकन पत्र वापस लेने की अंतिम तारीख 8 अक्टूबर है। एक से अधिक उम्मीदवार होने पर 17 अक्टूबर को मतदान होगा और परिणाम 19 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे। पार्टी नेता शशि थरूर ने भी कहा है कि वो अध्यक्ष पद के लिए नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। I represent myself. Well, the timing is between 11 and 3. मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए सीबीआई ने इंटरपोल एनसीबी के साथ मिलकर 175 लोगों को गिरफ्तार किया और भारी मात्रा में मादक पदार्थ जब्त किए हैं। कई राज्यों में केंद्रीय जांच एजेंसियों ने इस सप्ताह की शुरुआत में अभियान चलाया। इसमें अंतर्राष्ट्रीय संपर्क को वाले मादक पदार्थ तस्करों के नेटवर्क को खत्म करने के लिए कार्रवाई की गई। ऑपरेशन गरुड़ में इंटरपोल भी शामिल था। अब तक 127 मामले दर्ज किए गए हैं। पंजाब, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली और मणिपुर समेत 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में छापेमारी की गई। सुप्रीम कोर्ट ने गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम के तहत विवाहित या अविवाहित सभी महिलाओं को गर्भावस्था के 24 सप्ताह तक सुरक्षित और कानूनी रूप से गर्भपात करने का अधिकार दिया है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि गर्भपात कानून के तहत विवाहित या अविवाहित महिला के बीच पक्षपात करना प्राकृतिक नहीं और संवैधानिक रूप से भी सही नहीं है और ये उस रूढ़ीवादी सोच को कायम रखता है कि केवल विवाहित महिलाएं ही यौन संबंध बनाती हैं। पीठ ने 23 अगस्त को एमटीपी अधिनियम यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अधिनियम के प्रावधानों की व्याख्या पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसमें विवाहित और अविवाहित महिलाओं को 24 सप्ताह की गर्भावस्था तक गर्भपात कराने को लेकर अलग अलग प्रावधान हैं। ICCR और गूगल संस्कृत अनुवाद के अनुभव को और बेहतर बनाने के लिए मिलकर सहयोग करेंगे। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद और गूगल ने इसके लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे अन्य भाषाओं में संस्कृत के अनुवाद के लिए गूगल के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग भाषा प्रौद्योगिकी के प्रावधानों को और बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। इस मौके पर ICCR के अध्यक्ष डॉ. विनय सहस्त्रबुद्धे और गूगल इंडिया रिसर्च हेड उपस्थित थे। मिशन ऑफ इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस इज टू मेक द ग्लोबल कम्युनिटी अंडरस्टैंड इंडियन कल्चर इन जनरल विथ ऑल इट्स नुआंसेस एंड ऑल द ट्रेडिशंस एंड द हेरिटेज पार्ट ऑफ अवर लिंग्विस्टिक traditions kind of, and therefore to make it happen it is very required that the ancient languages in India, and Sanskrit is considered as one of the most ancient language perhaps. Khabrein lagatar ja rahi hain, laut rahe hain ek chote se break ke baad. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं अच्छी खबर और आइए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं राज्य से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गांधीनगर और मुंबई सेंट्रल के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस के नए और उन्नत संस्करण को हरी झंडी दिखाएंगे। रेल मंत्रालय के मुताबिक अगले 3 साल में 400 नई जनरेशन की वंदे भारत ट्रेन शुरू की जाएंगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ओडिशा के भुवनेश्वर में विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आज देश में सभी राष्ट्रीय पार्टियां क्षेत्रीय पार्टियों के रूप में सिमट गई हैं, कोई वैचारिक पार्टी नहीं रह गई है। केरल में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा संपन्न हो गई है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पदयात्रा के 22वें दिन की शुरुआत केरल के मलप्पुरम के चुंगथरा गांव से की, जो वाजिक दाबू में समाप्त हो गया। ये केरल में यात्रा का अंतिम पड़ाव था। अखिलेश यादव को लगातार तीसरी बार समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया है। चुनाव अधिकारी और पार्टी के वरिष्ठ नेता रामगोपाल यादव ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन में उन्हें निर्विरोध पार्टी अध्यक्ष चुने जाने का ऐलान किया। जम्मू के उधमपुर से पूर्व विधायक बलवंत सिंह मनकोटिया दिल्ली में बीजेपी में शामिल हुए। उन्होंने केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह की मौजूदगी में बीजेपी का दामन थामा। मध्य प्रदेश के इंदौर से बीजेपी सांसद शंकर लालवानी को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने तथ्यों के अभाव में उनके निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट जलीकट्टू और बैलगाड़ी दौड़ की अनुमति देने वाले तमिलनाडु और महाराष्ट्र के कानूनों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 22 नवंबर को सुनवाई करेगा।
जम्मू कश्मीर के उधमपुर शहर में एक बस स्टैंड पर खड़े एक वाहन में विस्फोट हुआ। घाटी में पिछले 24 घंटे में दूसरा विस्फोट है। फिलहाल एनआईए की टीम जांच में जुटी है। दिल्ली में यमुना का जलस्तर थोड़ा कम हुआ है, लेकिन यह अभी भी खतरे के निशान से ऊपर है। ऐसे में प्रभावित लोगों को वापस लौटने के लिए इंतजार करना होगा। असम के धुबरी जिले में ब्रह्मपुत्र नदी में एक नाव पलट गई, जिसके बाद से उसमें सवार एक सरकारी अधिकारी और स्कूली छात्र सहित कई अन्य लोग लापता हैं। हादसे के वक्त नाव में करीब 50 लोग सवार थे। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में लोगों की परेशानियों को देखते हुए नगर निगम द्वारा कई जगहों पर इमरजेंसी कॉल बॉक्स लगाए गए हैं। इस बॉक्स के जरिए लोग अपनी समस्याओं को सीधे कंट्रोल रूम तक पहुंचा सकेंगे। और अब अहम खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत से। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र भारत और अमेरिका के बीच संबंध केवल द्विपक्षीय हित के लिए नहीं है, बल्कि उनके संबंधों का असर विश्व स्तर पर भी काफी बढ़ता है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों का मानना है कि इस संबंध में काफी क्षमताएं हैं और इसे और आगे बढ़ाने की गुंजाइश भी काफी है। वॉशिंगटन की 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा संपन्न करते हुए पत्रकारों से बातचीत में विदेश मंत्री ने कहा कि अगर आप भारत अमेरिका संबंधों को देखें तो ये केवल एक दूसरे को फायदा पहुंचाने के लिए नहीं है। हमारे संबंध आज बाकी दुनिया को प्रभावित करते हैं, निश्चित रूप से हिंद प्रशांत क्षेत्र को। यूक्रेन के जिन 4 क्षेत्रों में रूस में शामिल किए जाने को लेकर जनमत संग्रह कराया गया था, उन्हें शुक्रवार को देश में शामिल किया जाएगा। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन क्रेमलिन में कार्यक्रम में शामिल होंगे, जिसमें इन क्षेत्रों को आधिकारिक तौर पर रूस में शामिल किया जाएगा। 4 क्षेत्रों के प्रमुख क्रेमलिन के सेंट जॉर्ज हॉल में शुक्रवार को एक कार्यक्रम के दौरान रूस में शामिल होने के लिए संधियों पर हस्ताक्षर करेंगे। यूक्रेन और पश्चिमी देशों ने इस जनमत संग्रह की निंदा की है। अमेरिका के दक्षिण पश्चिमी फ्लोरिडा में आए चक्रवात यान के कारण बड़ी तबाही हुई है। भीषण चक्रवात की वजह से बुनियादी ढांचा क्षतिग्रस्त होने से 20 लाख लोगों के घरों की विद्युत आपूर्ति बंद हो गई है। अमेरिका में आए सबसे शक्तिशाली चक्रवातों में से एक यान ने फ्लोरिडा प्रायद्वीप में रात भर तबाही मचाई। राष्ट्रीय चक्रवात केंद्र ने चेतावनी दी है कि इससे भारी बाढ़ आ सकती है। चक्रवात केंद्र ने देर रात 2 बजे जारी परामर्श में कहा कि यान अटलांटिक महासागर का रुख कर सकता है और मध्य और उत्तरी फ्लोरिडा में भारी बारिश होने की आशंका है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं तिरुपति के सबसे लोकप्रिय तिरुमाला ब्रह्मोत्सव की तस्वीरों के साथ। आप अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।